जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने कल किसके बारे में स्टडी किया था, कल का हमारा टॉपिक क्या था। कल का हमारा टॉपिक था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एज वेल एज हमने और क्या स्टडी किया था। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। तो हमने बेसिकली एक बेसिक चीज जो आपको जानना चाहिए एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में, उसके बारे में स्टडी किया था, राइट। लेकिन कल ही मैंने आपको कहा था कि मैं जब भी क्लास ज्वाइन करूंगा तो स्टार्टिंग का जो है 2 से 3 मिनट में डिस्कस करूंगा कि जो हमने 12 तरह के मतलब 12 टाइप के जो फाइलम डिस्कस किए हैं उसका सीक्वेंस अभी तक आपको लर्न हुआ है या नहीं, राइट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। से पहले मैं आपको 12 फाइलम जो है एक बार फिर से जो है आपके ऑन द फिंगर टिप्स लाने वाला हूं। तो वो कौन कौन से फाइलम है जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, तो इसके बारे में जो है स्टडी करने वाले हैं। सो देखिए, फर्स्ट फाइलम क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट फाइलम बताया था प्रोटोजोआ। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट फाइलम बताया था प्रोटोजोआ, राइट। प्रोटोजोआ के बाद क्या था, मैंने कहा था आपको प्रोटोजोआ के बाद हम स्टडी करते हैं पॉरीफेरा के बारे में। किसके बारे में मैंने कहा था, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को क्या कहा जाता है, पॉरीफेरा को कॉमनली स्पंज भी कहा जाता है, राइट। तो उसके बाद पॉरीफेरा के बाद स्पंज के बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइलम था वो कौन सा था, मैंने कहा आफ्टर पॉरीफेरा हम स्टडी करते हैं सीलेंट्रेटा के बारे में। किसके बारे में, सीलेंट्रेटा के बारे में हम स्टडी करते हैं। सीलेंट्रेटा जो होता है उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, बोलिए, मैंने आपको बताया था टीनोफोरा के बारे में, राइट। तो मैंने आपको टीनोफोरा के बारे में बताया था। बेसिकली टीनोफोरा के बाद कौन सा फाइलम आता है, तो हमने पढ़ा था टीनोफोरा के बाद जो है फ्लैट वॉर्म आते हैं। बेसिकली फ्लैट वॉर्म जिस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं, प्लेटी हेलमेंथीज आता है, राइट। तो मैंने कहा आफ्टर टीनोफोरा कौन सा फाइलम आता है, प्लेटी हेलमेंथीज आता है। कौन सा आता है, मैंने कहा प्लेटी हेलमेंथीज आता है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथीज, और इसके बाद जो फाइलम होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसके बाद जो फाइलम होता है इसे कहा जाता है एस्क हेलमेंथीज। क्या कहते हैं, एस्क हेलमेंथीज कहा जाता है। बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑल द मेंबर्स एंड स्पीसीज व्हिच बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फाइलम आर कॉमनली As round worm, क्या कहते हैं इसे, round worm भी कहते हैं। After S.K. Helminthes मैंने आपको बताया था हम पढ़ते हैं Annelida phylum के बारे में, right? तो Annelida के बाद हम किसके बारे में study करते हैं, Annelida के बाद हम study करते हैं Arthropoda। किसके बारे में, Arthropoda phylum जो होता है, जो basically biggest phylum जो है animal diversity का consider किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसी proper sequence में आपको learn हो, इसीलिए मैं इसको बार बार revise करवाऊंगा, राइट। उसके बाद देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा के बाद क्या बताया था मैंने आपको, ऑर्थ्रोपोडा के बाद हम पढ़ते हैं मोलस्का के बारे में। किसके बारे में, मोलस्का, इट मींस कि इस पर्टिकुलर फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। उसके बाद हम स्टडी करते हैं, आफ्टर मोलस्का हम स्टडी करते हैं इकाइनोडर्मेटा। किसके बारे में, हम जिस फाइलम को स्टडी करते हैं वो कौन सा होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है। बेसिकली ऑल द स्पीसीज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इकाइनोडर्मेटा फाइलम। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो पर्टिकुलर स्पीसीज होते हैं, जीव होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, तो मैंने कहा इसके त्वचा पर, इसके स्किन पर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बाद मैंने आपको क्या बताया था, इकाइनोडर्मेटा के बाद मैंने आपको बताया था हेमिकॉर्डेटा के बारे में, राइट। जो हमारा लास्ट जो हमारा फाइलम था, सेकेंड लास्ट फाइलम था, वो कौन सा था, मैंने कहा हेमिकॉर्डेटा होता है, राइट। हेमिकॉर्डेटा के बाद जो हम फाइलम पढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट फाइलम होता है बेसिकली, वो कौन सा होता है, तो इसे कहा जाता है कॉर्डेटा। क्या कहते हैं इसे, कॉर्डेटा कहते हैं। वन मोर टाइम हम इन सभी फाइलम को देखते हैं, वन बाय वन जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है, मैंने कहा ये होता है प्रोटोजोआ,
पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी हेलमेंथीज एस्क हेलमेंथीज एनेलिडा ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा और क्या होता है कॉर्डेटा होता है राइट। तो हमने यहां पर फर्स्ट पर्टिकुलर पोर्शन जो है हमने क्या कर लिया है कंप्लीट कर लिया है। मैं रेगुलर बेसिस पे जो है डेली आपको ये जो स्टार्टिंग के जो 12 फाइलम होते हैं मैं आपको क्या करवाऊंगा रिकॉल करवाऊंगा ताकि आप जो है इन सभी 12 फाइलम 12 संघों के बारे में पूरी तरह से जान पाए राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो क्या है मैंने कहा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब है आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन सभी फाइलम को जो स्टडी करने के लिए जो वर्गीकरण का आधार होता है जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है तो हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं कि फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण का जो प्रथम आधार होता है वो कौन सा होता है। तो बेसिकली जो वर्गीकरण का प्रथम आधार होता है मतलब फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको फर्स्ट लाइव सेशन फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शारीरिक संगठन के स्तर के बारे में पढ़ते हैं हम एज वेल एज बॉडी प्लान मतलब शरीर के आयोजन के बारे में पढ़ते हैं राइट। उसके बाद बॉडी वॉल जर्म लेयर के बारे में पढ़ते हैं राइट। देह भित्ति देह गुहा इन सभी टॉपिक को जो है हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं राइट। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट बेसिस होता है वो बेसिकली क्या होता है ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली हिंदी में क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहा जाता है शारीरिक संगठन का स्तर। क्या कहते हैं शारीरिक संगठन का स्तर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट बेसिकली हमें क्या बताता है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है कि बेसिकली जो भी प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं होती हैं लाइफ प्रोसेसेस होती है डाइजेशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन वो किस लेवल पे हो रही है राइट। उसके बारे में हमें इससे जो है इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या बताता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये जैविक प्रक्रम मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं बेसिकली वो किस लेवल पे होते हैं तो उस लेवल के बारे में हमें क्या करता है ये इंफॉर्मेशन देता है राइट। तो हम बेसिकली फर्स्ट लेवल जो इसमें डिस्कस करेंगे वो कौन सा होता है हम इसमें डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रथम प्रकार के शारीरिक संगठन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और ये कौन सा होता है जो फर्स्ट होता है ये होता है ए सेलुलर। क्या होता है मैंने कहा जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं इसे हम क्या कहते हैं ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट। मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या लिखा है LOO लिख दिया है राइट। इसका मतलब क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहा जाता है क्या हिंदी में कहा जाता है बेसिकली इसको अकोशिकीय प्रकार के शारीरिक संगठन का स्तर। कल मैंने जो है कल के लाइव सेशन का एक कमेंट देखा था एक बच्ची को ये प्रॉब्लम थी कि बेसिकली ये यूनिसेलुलर और ए सेलुलर जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है राइट। तो मैं यह बात बता दूं आपको कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें कितने सेल होते हैं मैंने कहा सिंगल सेल होते हैं केवल ओनली वन सेल होते हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर आपको बेसिकली दिखाई दे रहा है क्या आ रहा है यहां पर ए आ रहा है। बेसिकली ए जो है क्या रिप्रेजेंट करता है ए रिप्रेजेंट करता है अब्सेंट को मतलब इसमें जो है सेल क्या होते हैं मैंने कहा इसमें सेल अब्सेंट होते हैं ये अकोशिकीय प्रकार के जीव होते हैं जिसमें सेल अब्सेंट होते हैं। तो हम कहेंगे अगर सेल ही इसमें अगर अब्सेंट है अगर कोशिका इसमें अनुपस्थित है तो इसमें जो भी प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो किस स्तर पे होती हैं तो हम कहते हैं ये प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे होता है। यहां पर ऑल द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैन बी परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज प्रोटोप्लाज्म। यहां पर प्रोटोप्लाज्म और कोशिकांग के माध्यम से जो है जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन सा ऐसा संघ होता है जो है पर्टिकुलर कौन सा ऐसा फाइलम होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है जिसमें अकोशिकीय ए सेलुलर तरह का जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए मैंने कहा कि इसमें बेसिकली जो लेवल होता है वो किससे होता है मैंने कहा ये बेसिकली जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस
प्रोसेस होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म लेवल पे होता है, किस पे होता है, प्रोटोप्लाज्म लेवल पे होता है, इसीलिए इसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, इसे कभी कभी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, राइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आखिर कौन सा फाइलम इससे बिलोंग करता है, तो अगर आपको याद हो कि हमारा फर्स्ट फाइलम क्या है, इवोल्यूशन में, उद्विकास में जिन जीवों का निर्माण पहले हुआ था उसे क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं, राइट। तो प्रोटोजोआ जो एग्जांपल होता है वो बेसिकली किस प्रकार के शारीरिक संगठन के स्तर या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं। तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ जो है उसमें किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग टू द प्रोटोजोआ फाइलम कैन बी परफॉर्म प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसमें क्या होता है, कोशिकीय या प्रोटोप्लाज्म प्रकार का शारीरिक संगठन का स्तर पाया जाता है, राइट। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ए सेलुलर के बाद, हम पढ़ते हैं सेलुलर, क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो भी फाइलम आते हैं तो उस फाइलम के जो स्पीसीज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बेसिकली अपने सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को सेल लेवल, कोशिका स्तर पर क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, राइट। तो यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बेसिकली एग्जाम्पल में यहां पर हम किस फाइलम को लेते हैं, मैंने कहा यहां पर हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कौन सा फाइलम, जो हमारा सेकंड फाइलम है वो कौन सा है, मैंने कहा ये है पॉरीफेरा। यहां पर क्या आते हैं, पॉरीफेरा आते हैं, राइट। बेसिकली आप सभी जो है इन सभी कंटेंट को मेरे साथ ही समझते जाएं और लिखते जाएं, राइट। ये सभी जो है कंसेप्चुअल वे में पढ़ना है, हालांकि ये थ्योरी का अप्रोच होता है लेकिन हमें समझ के पढ़ना है कि पर्टिकुलर हर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शब्दों के अर्थ पर जो है गहराई से जाना है, डीपली स्टडी करना है, राइट। तो मैंने कहा कि ऑल द मेंबर्स एंड स्पीसीज बिलोंग टू द पॉरीफेरा स्पंज, वो बेसिकली उसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो थर्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा अगर हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें केवल सेल है, यहां पर जो सेल होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं, यहां पर टिश्यू लेवल या फिर यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहां पर ऑर्गन नहीं बने हैं, यहां पर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहां पर बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर केवल कोशिका ही है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके आगे का जो कॉम्प्लेक्स लेवल होता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें बेसिकली जो है सेल आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, मैंने कहा ऊतक का निर्माण कर लेते हैं, इसका मतलब है टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर कौन कौन से फाइलम जो है वो बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, वो कौन कौन से फाइलम है, तो मैंने कहा यहां पर हम स्टडी करते हैं पॉरीफेरा के बाद कौन सा है, मैंने कहा पॉरीफेरा के बाद होता है सिलेंट्रेटा, निडेरिया, और उसके बाद क्या है यहां पे, स्टिनोफोरा, राइट। तो हम अगर हम किस फाइलम की बात करें, अगर हम सिलेंट्रेटा फाइलम की बात करें, किस फाइलम की, अगर हम सिलेंट्रेटा फाइलम की बात करते हैं स्टूडेंट, या फिर हम बात करते हैं टिनोफोरा, किसकी, अगर हम सिलेंट्रेटा एज वेल एज टिनोफोरा फाइलम के मेंबर्स की बात करते हैं, तो यह कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर जो मेंबर्स होते हैं, इस फाइलम के जो स्पीसीज होते हैं, उनके बॉडी में क्या बन चुका होता है, मैंने कहा वहां पे जो है टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका होता है, लेकिन हम कहेंगे यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन हो तो गया है, लेकिन टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं किए हैं, यहां पर अंग का निर्माण नहीं हुआ है, राइट। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सिलेंट्रेटा है, और क्या है, ये है टिनोफोरा। बेसिकली अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन या फिर नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी ओर बढ़ें, तो बेसिकली ये कौन सा होता है, मैंने कहा जो हमारा फोर्थ टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टूडेंट कौन सा होता है, तो टिश्यू लेवल के बाद जो है अगर टिश्यू आपस में मिल जाए तो वो क्या बनाएंगे बताइए, मैंने कहा ये बनाएंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंग स्तर का जो शारीरिक संगठन का पर होता है, जिसमें टिश्यू आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें केवल और केवल
कौन सा फाइलम आएगा? यहां पर देखिए टिनोफोरा के बाद कौन सा है, यहां पर प्लेटीहेलमिंथीज है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से फाइलम के सदस्य जो है वो शो करते हैं, मेंबर शो करते हैं, तो मैंने कहा ये कौन से होते हैं, ये प्लेटीहेलमिंथीज होते हैं। कौन से होते हैं? प्लेटीहेलमिंथीज। फ्लैटवर्म जो भी होते हैं वो बेसिकली किस प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं, मैंने कहा उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो कि है आवर फिफ्थ टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा होता है? तो अगर बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यहां पर अलग अलग प्रकार के जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो बेसिकली कंबाइन हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। यहां पर मैंने लगा दिया है डबल स्टार, ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से ऐसे फाइलम हैं जो बेसिकली उसमें क्या बन चुका है, ये एडवांस लेवल के होते हैं। यहां तो बिल्कुल सिंपल लेवल था, धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता बढ़ती जा रही है, सेल ने जो है आपस में मिलकर के टिश्यू बना लिया है, टिश्यू ने आपस में मिलकर के ऑर्गन बना लिया है, ऑर्गन ने आपस में मिलकर के क्या बना लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि आखिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कौन कौन से फाइलम के मेंबर शो करते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या आता है स्टूडेंट, यहां पर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि एसके हेलमिंथीज से लेकर के कहां तक के, मैंने कहा कॉर्डेटा तक के जो फाइलम होते हैं या उस फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो बेसिकली शो करते हैं क्या, मैंने कहा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। आई रिपीट कि बेसिकली अगर हम एसके हेलमिंथीज राउंड वॉर्म से कॉर्डेटा तक जो भी फाइलम आते हैं वो क्या दर्शाएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र स्तर का जो शारीरिक संगठन का स्तर होता है वो दर्शाते हैं। या फिर हम कहते हैं कि अगर आपने जो है लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कौन कौन से अंग से मिलकर बना होता है, तो अपन पाचन तंत्र को दो कैटेगरी में, दो श्रेणी में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन सा होता है, मैंने कहा वो होता है एक तो आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और एक क्या होता है, एक होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, राइट। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, माउथ से लेकर के जो एनस तक जो ऑर्गन आते हैं वो बेसिकली मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, मिलकर आपस में बनाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही बात हम यहां पे करते हैं कि एसके हेलमिंथीज से कॉर्डेटा तक जो भी फाइलम आते हैं, जो भी स्पीसीज आते हैं, वो बेसिकली किस प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं, तो मैंने कहा ये अंग तंत्र स्तर के शारीरिक संगठन के स्तर को रखते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें एसके हेलमिंथीज से कॉर्डेटा तक कौन कौन से फाइलम आते हैं, तो यहां देखिए यहां पे बेसिकली एसके हेलमिंथीज है, एनेलिडा है, ऑर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, और क्या है, कॉर्डेटा। तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारा जो फर्स्ट बेसिस है वो क्या होता है, शारीरिक संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया। वन मोर टाइम मैं आप सभी को ये जो है रिवाइज करवा देता हूं, मैंने क्या बोला कि बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रमों के बारे में सूचनाएं देता है कि जैविक प्रक्रम जो होते हैं वो बेसिकली किस लेवल पर होते हैं, राइट। अगर हम अपन बेसिकली इसके कैटेगरी की बात करते हैं तो मैंने फर्स्ट कैटेगरी लिया है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ में मैंने कहा कि यहां पर इसमें सेल क्या है, बेसिकली मैंने कहा ये ए सेलुलर होते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डोबेल। डोबेल ने ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग टू द प्रोटोजोआ फाइलम उनको क्या बोला, उनको उन्होंने कहा ए सेलुलर, मतलब इसमें जैविक प्रक्रम जो होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म या फिर सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर जीवों में क्या बन जाए, कोशिका का निर्माण हो जाए, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या कहते हैं, वो बेसिकली कौन सा फाइलम होता है, पॉरीफेरा होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कौन कौन सा फाइलम आता है, सिलेंटेटा और टिनोफोरा आता है। अगर हम बात करते
हैं ऑर्गन लेवल, जब टिश्यू आपस में मिलकर के अंग का निर्माण कर लेते हैं, ऑर्गन का निर्माण कर लेते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो बेसिकली यहां पर जो है प्लेटी हेलमिंथीज होता है। लेकिन अगर हम एसके हेलमिंथीज से कॉर्डेटा तक के फाइलम के मेंबर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, राइट। तो हमने यहां पर जो है हमारा फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है, राइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहां पे आप आंसर टिक करेंगे ऑर्गन लेवल। अगर एग्जाम्पल में या फिर बेसिकली अगर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया कि अगर हम मोलस्का के फाइलम की बात करते हैं, राइट, मोलस्का फाइलम की बात करते हैं तो मोलस्का में किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यहां पे देखिए मोलस्का एसके हेलमिंथीज और कॉर्डेटा के बीच में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने कहा ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो हमने ये पढ़ लिया है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बॉडी प्लान के बारे में। किसके बारे में, बॉडी प्लान मतलब शरीर का आयोजन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ हम लीड करते हैं, और वो कौन सा होता है स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा सेकेंड जो लेवल ऑफ बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है उसका आधार कौन सा होता है, उसका क्रिटेरिया, उसका बेसिस क्या होता है, मैंने कहा ये होता है बॉडी प्लान। क्या होता है, मैंने कहा ये बॉडी प्लान होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, शरीर का आयोजन कहते हैं। अगर हम बॉडी प्लान लेवल की बात करते हैं या फिर शरीर के आयोजन की बात करते हैं तो बेसिकली ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। तो मैंने कहा ये जो बॉडी प्लान होते हैं ये जो बॉडी प्लान होते हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेशन किसके बारे में देते हैं, तो मैंने कहा ये बॉडी प्लान जो है गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। किसके बारे में देंगे, मैंने कहा ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में, मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, आहार नाल जो होता है, वो पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर ऑर्गन से बिलोंग करता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में हम मॉट टू क्या लेते हैं, एनस लेते हैं। क्या लेते हैं, मॉट टू एनस लेते हैं। बेसिकली बॉडी प्लान जो है किसके बारे में बताएगा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताएगा। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, मॉट टू एनस होता है। ये बताता है कि आखिर पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होगा, मतलब मैंने कहा ये बताता है कि एलिमेंट्री कैनाल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट होगा या फिर ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। बेसिकली ये बताता है कि आहार नाल जो है वो किन किन जीवों में, तो अपूर्ण प्रकार के होते हैं, मतलब अविकसित प्रकार के होते हैं, राइट, और किस में विकसित प्रकार के होते हैं, पूर्ण प्रकार के होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, राइट। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर इनकंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम इनकंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल में यह कहा जाता है कि ये जो फूड होता है, भोजन के जो कण होते हैं, बेसिकली इनकम्प्लीट प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल में इस प्रकार के फूड के लिए कितने पाथवे होते हैं, मैंने कहा इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल में फूड के लिए बेसिकली कितने पाथवे होते हैं, मैंने कहा सिंगल पाथवे होते हैं, सिंगल पाथवे होते हैं। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि अगर हम फूड के इंजेशन की बात करें, मैंने कल के लाइव सेशन में आपको इंजेशन के बारे में बताया था, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था इजेशन के बारे में भी, बहिक्षेपण के बारे में भी बताया था। तो यहां पर बेसिकली इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग क्या है कि फूड के इंजेशन और फूड के इजेशन, मतलब फूड जो होता है भोजन के अंतर्ग्रहण और भोजन के बहिक्षेपण, दोनों के लिए कितने पाथवे होते हैं, मैंने कहा दोनों के लिए केवल सिंगल पाथवे होता है, केवल एक ही मार्ग होता है, जिस पाथवे से इनके शरीर में, इनके बॉडी में फूड के पार्टिकल्स इन होते हैं, उसी पर्टिकुलर पाथवे से क्या होता है, आउट भी होता है। तो क्या ये अविकसित प्रकार का एलिमेंट्री कैनाल हुआ कि नहीं, अगर हम बात करते हैं कंप्लीट प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल की तो इसमें क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कंप्लीट जो टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है,
इसमें फूड के इंजेशन, मैंने कहा इसमें फूड के इंजेशन, इंजेशन ऑफ फूड एज वेल एज इजेशन ऑफ फूड, मतलब यहां पे अंतर्ग्रहण और बहिक्षेपण इन दोनों के लिए जो है कितने पाथवे होंगे, मैंने कहा यहां पर टू पाथवे होते हैं। कितने होते हैं? टू पाथवे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा बेसिकली टू पाथवे कौन से होते हैं, तो पर्टिकुलर जो है अगर हम माउथ की बात करते हैं, तो अगर हम माउथ की बात करेंगे तो यहां पे क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं ओरल कैविटी में, और अगर हम एनस की बात करते हैं, गुदा द्वार की बात करते हैं, तो यहां पे क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, निष्कासित करते हैं। देखिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जो कंप्लीट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें फूड के इंजेशन और इगेशन के लिए क्या होता है, दो प्रकार के मार्ग होते हैं, टू पाथवे होते हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर माउथ से तो क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है, मुख में तो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन को, और एनस से क्या होता है, मैंने कहा एनस से जो अपचित भोजन होता है वो बेसिकली बाहर एलिमिनेट हो जाता है। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि जो बॉडी प्लान होता है गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो इनकंप्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। तो अब हम ये स्टडी करते हैं कि बेसिकली अगर हम किसकी बात करें, बेसिकली अगर हम बात करें कि ये बॉडी प्लान के टाइप्स की, कि कौन कौन से हम टाइप्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइप की बात करने वाले हैं यहां पर, बेसिकली हम थ्री टाइप्स की बात करेंगे। कितने? मैंने कहा बॉडी प्लान के थ्री टाइप्स की बात करेंगे, और इसमें भी फर्स्ट टाइप कौन सा होता है स्टूडेंट, मैंने कहा फर्स्ट टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज नोन एज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। कौन सा होता है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है। बॉडी प्लान को मैंने यहां पे बीपी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? बीपी। तो मतलब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान जो होता है उसका मीनिंग क्या है, यहां देखिए एक शब्द है यहां पे, एक टर्म दिख रहा है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि जमा होना, एक्यूमुलेट होना, एक जगह कलेक्ट हो जाना। मैंने कहा कि फर्स्ट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, प्रथम प्रकार का शरीर आयोजन, कोशिकीय पुंज प्रकार का शरीर आयोजन होता है। सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान को क्या कहते हैं? कोशिकीय पुंज प्रकार के बॉडी प्लान कहा जाता है। और इसमें कौन सा फाइलम आता है? मैंने कहा यहां पर जो फाइलम आता है वो कौन सा होता है, यहां पर हम स्टडी करते हैं पॉरीफेरा फाइलम की। बेसिकली किस फाइलम की बात करेंगे? पॉरीफेरा। यहां पर मैंने पॉरीफेरा से स्टार्ट किया है। आप सोच रहे होंगे मैंने प्रोटोजोआ क्यों नहीं लिया, अभी अभी मैंने बताया कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, लेकिन यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर फाइलम जो है, बेसिकली जो सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान में आता है वो कौन सा होता है, मैंने कहा पॉरीफेरा, जिसे स्पंज भी कहते हैं। बेसिकली यहां पर क्या होता है कि ये जो बॉडी प्लान होता है वो किसकी तरह हमें दिखाई देता है, ये हमें फ्लावर्स के बंचेस, राइट, फ्लावर्स के बंचेस मतलब फूलों के जो गुच्छे होते हैं उसकी तरह दिखाई देते हैं। मतलब सेल्स जो होते हैं वो आपस में जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, और किसकी तरह दिखाई देते हैं, फ्लावर्स के बंचेस की तरह, फूल के गुच्छे के तरह दिखाई देते हैं, राइट। और भी हम बात करते हैं कि ये जो सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है इसमें कहा जाता है कि इसमें जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, मैंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है, अब ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, ये है श्रम विभाजन। ये है कि कार्य का जो विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है, वो डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है वो सेल एग्रीगेट कोशिकीय पुंज प्रकार के शरीर आयोजन में क्या होता है, बेसिकली सेल लेवल पर होता है। किस लेवल पर होता है? मैंने कहा सेल लेवल पर होता है। आई रिपीट कि हमने क्या क्या पढ़ा, कौन सा फाइलम है, पॉरीफेरा, जो कि सेल एग्रीगेट में आते हैं। सेल एग्रीगेट में जो बेसिकली सेल्स होते हैं वो फ्लावर्स के बंचेस लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है वो सेल लेवल का होता है, कोशिका स्तर का होता है। अब हम स्टडी करने वाले हैं आवर सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी प्लान, राइट। फर्स्ट टाइप क्या था? मैंने कहा फर्स्ट टाइप था सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, और जो बी होता है वो क्या होता है, इसे कहते हैं ब्लाइंड सेक। क्या कहते हैं?
ब्लाइंड से टाइप ऑफ बॉडी प्लान, कौन सा बॉडी प्लान, मैंने बॉडी प्लान को अगेन यहां पे बीपी लिख दिया है, बीपी क्या है, बॉडी प्लान है। तो ब्लाइंड से टाइप ऑफ बॉडी प्लान को हिंदी में क्या बोले फिर, इसको कहा जाता है अंडकोश प्रकार का शरीर आयोजन। क्या कहते हैं इसको, कहा जाता है अंडकोश प्रकार का शरीर आयोजन। और बेसिकली ये जो अंडकोश प्रकार का शरीर आयोजन है वो किसके बारे में बताएगा, ये जो है बेसिकली इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताएगा। किसके बारे में, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताता है, राइट तो मैंने कहा कि बेसिकली अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान की, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देगा। और ये जो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको कि फूड के इंजेशन और इजेशन दोनों के लिए कितने पाथवे होते हैं, केवल और केवल एक पाथवे होते हैं, राइट। तो यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो कि ब्लाइंड सेक कोश प्रकार के बॉडी प्लान के अंतर्गत आते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें जनरली हम बात करते हैं स्टूडेंट कौन कौन से फाइलम की, तो हम यहां पे जो है थ्री फाइलम की बात करेंगे। यहां पर फर्स्ट फाइलम होता है सीलेंट्रेटा, क्या होता है, मैंने कहा सीलेंट्रेटा होता है, राइट। सेकेंड फाइलम जो होता है जो इस कैटेगरी में आते हैं बेसिकली ब्लाइंड सेक में आते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने कहा सीलेंट्रेटा के बाद होते हैं टीनोफोरा, क्या होते हैं, टीनोफोरा होते हैं। टीनोफोरा के बाद प्लेटी हेलमेंथीज भी ब्लाइंड सेक में ही आता है, राइट। प्लेटी हेलमेंथीज कौन सा फाइलम, मैंने कहा प्लेटी हेलमेंथीज। तो अब देखिए क्या कहा जाता है कि ये जो तीन तरह के जो फाइलम आपको दिखाई दे रहे हैं सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी हेलमेंथीज, ये बेसिकली किस प्रकार के शरीर आयोजन को दर्शाते हैं, मैंने कहा ब्लाइंड सेक, राइट। और इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और वो जो सिंगल पाथवे जिससे फूड का इंजेशन और इगेशन होता है वो सिलेंट्रेटा में हम उसे क्या कहते हैं, तो उस सिंगल पाथवे को सिलेंट्रेटा में कहा जाता है स्टूडेंट हाइपोस्टोम, क्या कहते हैं इसे, हाइपोस्टोम कहा जाता है। और हिंदी में भी हाइपोस्टोम ही टर्म होता है, इसका कोई स्पेसिफिक हिंदी वर्ड नहीं है। मैंने कहा हाइपोस्टोम सिलेंट्रेटा बेसिकली जो है इसमें जो सिंगल पाथवे ऑफ द फूड इंजेशन और इगेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइपोस्टोम कहते हैं। लेकिन अगर हम टीनोफोरा की बात करें कि टीनोफोरा में जो सिंगल पाथवे होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है स्टोमोडियम, क्या कहते हैं, इसे स्टोमोडियम कहा जाता है, राइट। स्टोमोडियम के थ्रू ही इनके बॉडी में क्या होता है, फूड आता है, मतलब क्या होता है, इंजेशन होता है, और उसी पर्टिकुलर स्टोमोडियम से ही क्या हो जाता है, फूड बाहर निकल जाता है। तो हमने यहां पर सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी प्लान के बारे में डिस्कस किया, राइट। अब हम लीड करते हैं आवर थर्ड और मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान, राइट। जो थर्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्यूब विद इन, क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहा जाता है। और बेसिकली अगर हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की बात करते हैं तो हिंदी में क्या बोले, इसको कहा जाता है बेसिकली नलिका के अंदर नलिका प्रकार का शरीर आयोजन, क्या कहते हैं, आई रिपीट, नलिका के अंदर नलिका प्रकार का शरीर आयोजन कहते हैं। और ये किसके बारे में बताता है, मैंने कहा ये बताता है कंप्लीट, क्या बताता है, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, मतलब विकसित प्रकार के पूर्ण प्रकार के जो आहार नाल होते हैं उसके बारे में बताता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का जो बॉडी प्लान है इसमें जो भी फाइलम के मेंबर आएंगे उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल होता है, वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। मतलब जो है पर्टिकुलर दो पाथवे होते हैं, टू पाथवे होते हैं, दो मार्ग होते हैं जिससे फूड जो है क्या आता है, बॉडी में इन होता है, और एक सेकेंड पाथवे होता है जिससे फूड क्या होता है, बाहर निकलता है, माउथ और एनस की बात करते हैं, राइट। तो बेसिकली हम यहां पे एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं, उदाहरण हैं जो बेसिकली ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में आते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल होता है स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि फाइलम एसके हेलमेंथीस से लेकर कॉर्डेटा, आई रिपीट,
फाइलम एसके हेलमेंथीस से लेकर के कॉर्डेटा तक के जो पर्टिकुलर फाइलम होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? मैंने कहा वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में आते हैं और इसमें क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। लेकिन आपको पता है कि एसके हेलमेंथीस और कॉर्डेटा के बीच में कौन कौन से फाइलम होते हैं? बोलिए। मैंने कहा एसके हेलमेंथीस के बाद क्या होता है, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, राइट, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सभी फाइलम में जो है विकसित प्रकार का बॉडी प्लान जिसे ट्यूब विद इन ट्यूब नलिका के अंदर नलिका प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है, शरीर आयोजन होता है, वो पाया जाता है। राइट, हम इन सभी चीजों को जो है वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं। राइट, मैंने आपको क्या बताया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का आधार होता है शरीर का आयोजन, बॉडी प्लान, उसके बारे में बताया। मैंने बताया कि जो बॉडी प्लान होता है वो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आहार नाल जो है वो इनकंप्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। तो जनरली ये हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनाल जो है इनकंप्लीट होगा और किसमें क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो देखते हैं इसके फर्स्ट टाइप के बारे में, वो क्या है। मैंने कहा कोशिकीय पुंज प्रकार का बॉडी प्लान, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। बेसिकली अगर हम यहां पे देखें कौन सा फाइलम है, तो यहां पर पॉलीफेरा फाइलम है। लेकिन अगर हम ब्लाइंड से एक अंडकोश प्रकार के बॉडी प्लान की बात करते हैं तो ये जनरली अपूर्ण प्रकार के आहार नाल, इनकंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताता है। और वो कौन कौन से फाइलम है जो इस कैटेगरी में आते हैं, मैंने कहा वो संघ कौन से हैं, एक तो सिलेंट्रेटा है, एक टिनोफोरा है, एक क्या है, प्लेटी हेलमेंथीस। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथीस, इन तीनों ही फाइलम में बेसिकली केवल एक मार्ग होता है जहां से फूड इनके बॉडी में अंदर आता है और उसी मार्ग से बाहर निकल जाता है। राइट, तो हमने देखा ये, अगर हम बात करते हैं कि सिलेंट्रेटा में जो सिंगल पाथवे होता है ऑफ फूड इंजेशन एंड इजेशन का, उसे हाइपोस्टोम कहते हैं, और टिनोफोरा में क्या कहते हैं, स्टोमोडियम कहा जाता है। अगर हम ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार के बॉडी प्लान की बात करते हैं तो यहां पर ये जो है अति विकसित या फिर मोस्ट डेवलप टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है। जनरली इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं, मैंने कहा यहां पर एसके हेलमेंथीस और कॉर्डेटा प्रकार के फाइलम आते हैं। और एसके हेलमेंथीस से लेकर के कॉर्डेटा तक कौन कौन से होते हैं, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। राइट, तो आपको जो है अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ब्लाइंड से एक टाइप का बॉडी प्लान जो है इसमें जो है पर्टिकुलर निम्नलिखित दिए गए या फिर फॉलोइंग टाइप के ऑप्शंस में, विकल्प में कौन सा आंसर होगा, तो उसमें कोई एक ऑप्शन जो है इन तीनों फाइलम के मेंबर का होगा, तो आप वो टिक कर लेना। तो हमने यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो है टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है स्टडी कर चुके हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया, शारीरिक संगठन का स्तर पढ़ लिया, राइट, और क्या पढ़ाया हमने, हमने बॉडी प्लान और शरीर का आयोजन पढ़ लिया। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट लाइव सेशन लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको बताया था वो क्या था, मैंने कहा थर्ड टाइप का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो होता है बॉडी वॉल। क्या होता है, बॉडी वॉल होता है। बॉडी वॉल को ही क्या कहेंगे, हम कहेंगे जर्म लेयर, राइट, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, मैंने कहा ये जो बॉडी वॉल क्या होते हैं हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये क्या है, ये है बॉडी वॉल। क्या है, बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल को ही क्या कहते हैं, देह भित्ति कहा जाता है। बॉडी वॉल इज ऑल्सो नोन एज जर्म लेयर। क्या कहते हैं, इसे ही जर्म लेयर कहते हैं, राइट, इसे जनन स्तर भी कहा जाता है। तो हम बॉडी वॉल के बारे में जितने भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉडी वॉल और जर्म लेयर क्या होते हैं। राइट, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बॉडी वॉल और जर्म लेयर होता है बेसिकली इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब जनन स्तर और देह भित्ति का निर्माण कैसे होता है, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। राइट, तो देखिए मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि बेसिकली जो बॉडी वॉल होता है, जर्म लेयर होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। यहां पर बस एक सिंगल स्टेटमेंट में बताना चाहूंगा कि यहां पर बॉडी वॉल का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, मैंने कहा गैस्ट्रूला। राइट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है जिसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रूला
कहते हैं और इस गैस्ट्रुला अवस्था में ही जनन स्तर या बॉडी वॉल देहभित्ति का निर्माण होता है। राइट, ये भ्रूणीय परिवर्धन या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनने वाला एक स्टेज होता है। लेकिन ये बनता कैसे है, हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। राइट, अब देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट, मैं जब लैंगिक जनन की बारे में बताऊंगा तो हम उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैंने कहा बेसिकली यहां पे टू टाइप्स के जो गैमिट्स होते हैं, दो प्रकार के जो युग्मक होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। दोनों ही प्रकार के गैमिट्स का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, और इन दोनों प्रकार के युग्मक जो है उसकी बात करते हैं, एक तो होता है मेल गैमिट नर युग्मक, एक क्या होता है फीमेल गैमिट या फिर मादा युग्मक। राइट, ये दोनों ही मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में जो है फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, और फ्यूजन ऑफ द मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट क्या कहलाता है। मैंने कहा इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। राइट, हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर हम एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जब लैंगिक जनन हो रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, मैंने यहां पर कोई एक गैमिट लिया और राइट, और हमने यहां पर भी क्या लिया, एक गैमिट। बेसिकली मैंने कहा ये कौन सा गैमिट है, ये जो है बेसिकली ये है मेल गैमिट। कौन सा गैमिट है, मैंने कहा ये मेल गैमिट है, और ये जो हमने लिया है ये क्या लिया है, ये फीमेल गैमिट लिया है। क्या लिया है, फीमेल गैमिट लिया है। राइट, अगर हम इसकी गुणिता की बात करते हैं तो बेसिकली ये कहते हैं कि जो मेल गैमिट होता है वो कैसे होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये किस प्रकार के होते हैं, ये हैप्लोइड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, ये हैप्लोइड या फिर हैप्लोइड को क्या कहते हैं, ये अगुणित प्रकार के होते हैं। मतलब फीमेल गैमिट और मेल गैमिट कैसे होते हैं, अगुणित प्रकार के होते हैं, हैप्लोइड नेचर के होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे बेसिकली एन, सिंगल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं कि जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट क्या करे, मैंने कहा यहां पर ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनके बीच में क्या होगा, संलयन होगा। बेसिकली अगर मैं यहां पर मेल गैमिट की बात करते हैं तो मेल गैमिट क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, स्पर्म होता है। अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमिट की तो फीमेल गैमिट क्या होता है, मैंने कहा ओवा या फिर ओवम होता है, एग होता है। राइट, मतलब स्पर्म और अंडाणु के बीच में जो संलयन की प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। और इससे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे बेसिकली मैंने कहा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में संलयन जो होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट मींस कि फ्यूजन बिटवीन द मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और उससे क्या बनता है, मैंने कहा जायगोट बनता है। क्या बनता है, इससे बेसिकली जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जायगोट को क्या कहते हैं, इसको युग्मनस कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं डिप्लॉयड। कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, या फिर जिसे कहा जाता है कि ये द्विगुणित प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये द्विगुणित प्रकार के होते हैं। राइट, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, युग्मनस का निर्माण हो गया है। अब जायगोट से ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, जायगोट से ही स्टार्ट हो जाएगा भ्रूणीय परिवर्धन। राइट, क्या स्टार्ट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। यहां पर ये जो जायगोट बना है, युग्मनस बना है, वो क्या स्टार्ट करता है, मैंने कहा वो डिवीजन स्टार्ट करता है। राइट, क्या स्टार्ट करेगा, ये विभाजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। और जायगोट में जो विभाजन होता है, जो डिवीजन का प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहा जाता है क्लीवेज। क्या कहते हैं, इसे क्लीवेज कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, इसे विदलन कहा जाता है। क्या कहते हैं, विदलन कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो जायगोट में डिवीजन और क्लीवेज होता है, तो हम किस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, हम यहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, भ्रूणीय परिवर्धन की बात कर रहे हैं। तो देखिए जायगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा जायगोट से बेसिकली क्लीवेज के बाद जो है स्टेज जो फॉर्म होता है
होता है, इसे कहते हैं 8 से 16 कोशिकीय अवस्था, 8 टू 16 सेल स्टेज जो होता है, या सम टाइम किसी किसी बुक में लिखा होता है 16 टू 32 सेल स्टेज जो होता है, वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा ये होता है मोरूला। क्या होता है? मोरूला होता है। मोरूला से किसका फॉर्मेशन होगा? मोरूला से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। ये मैं बात कर रहा हूं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम की, राइट। और ब्लास्टुला से किसका फॉर्मेशन होगा? मैंने कहा ब्लास्टुला से ही किसका फॉर्मेशन होता है? गैस्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, मैंने आपको ये सब क्यों बताया है, मैंने यहां पे एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा कि अगर हम बॉडी वॉल और जर्म लेयर की बात करते हैं तो बॉडी वॉल और जर्म लेयर का फॉर्मेशन कहां पे होता है? गैस्टुला स्टेज में होता है, राइट। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो गैस्टुला स्टेज है वो बना कैसे। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या हुए? फ्यूज हो गए। इनके फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना। जायगोट डिप्लोइड नेचर का होता है। जायगोट आगे डिवीजन स्टार्ट करता है, उस डिवीजन के प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। बेसिकली ये एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय डेवलपमेंट की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। उससे मोरूला बनता है। मोरूला से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है उससे किसका निर्माण होता है? गैस्टुला का निर्माण होता है। तो बेसिकली ये जो गैस्टुला है, मैंने कहा इसी गैस्टुला वाले स्टेज में ही किसका फॉर्मेशन होता है? बॉडी वॉल का। तो हम देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होगा। तो मैंने कहा इफ द सेल्स, आई रिपीट, इफ द सेल्स ऑफ द गैस्टुला स्टेज कैन बी डिवाइडेड इंटू, कैन बी फॉर्म, कैन बी डेवलप्ड इंटू टू बेसिक टाइप ऑफ बॉडी वॉल और जर्म लेयर, देन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि गैस्टुला सेल्स में या फिर गैस्टुला स्टेज में जो पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं गैस्टुला स्टेज में पाई जाती हैं, अगर वो आगे जाकर के फर्दर डेवलप किसमें हो जाए, विकसित हो जाते हैं, किसमें? दो प्रकार के जनन स्तर का निर्माण करते हैं। दो प्रकार के जनन स्तर या फिर बॉडी वॉल या फिर जर्म लेयर को फॉर्म करते हैं। तो उस प्रकार के जो जीव होते हैं जो दो प्रकार के जनन स्तर को रखते हैं, जिसमें टू टाइप्स ऑफ जर्म लेयर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को द्विकोरिक प्रकार का जीव कहा जाता है। तो मैंने कहा कि गैस्टुला स्टेज में जो सेल्स होते हैं, अगर ये टू टाइप्स ऑफ क्या बनाए, जर्म लेयर बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्टोडर्म। मैंने कहा अगर ये एक्टोडर्म और क्या बनाए, मैंने कहा अगर ये एक्टोडर्म बनाए या फिर क्या बनाए, ये बनाए एंडोडर्म। क्या बनाए? एंडोडर्म बनाते हैं। तो यहां पर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जर्म लेयर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एनिमल होते हैं जिनमें केवल दो प्रकार के बॉडी वॉल और जर्म लेयर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? इसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। द्विकोरिक प्रकार का जीव कहा जाता है, राइट। और मैंने आपको फर्दर क्या बताया, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि द सेल्स हु बिलोंग टू द हु आर प्रेजेंट इन द फेज ऑफ गैस्टुला कैन बी डेवलप्ड इनटू द बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेयर। द फर्स्ट इज एक्टोडर्म, सेकेंड इज एंडोडर्म, एंड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म देयर इज ए मिडिल लेयर दैट इज नोन एज मेसोडर्म। तो बेसिकली अगर गैस्टुला फेज में पाए जाने वाले सेल्स तीन प्रकार के जनन लेयर या फिर बेसिकली कहते हैं जर्म लेयर जो होता है बॉडी वॉल, उसका अगर फॉर्मेशन करते हैं, मैंने कहा किस किस का, मैंने आपको बोला कि एक तो होता है एक्टोडर्म। अगर ये क्या फॉर्म करे, अगर ये फॉर्म करे एक्टोडर्म, या फिर ये क्या फॉर्म करे, मैंने कहा या फिर ये फॉर्म करे एंडोडर्म। क्या फॉर्म करे? एंडोडर्म। और इन दोनों ही के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इन दोनों के बीच में जो मिडिल लेयर होता है बेसिकली वो प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोडर्म कहते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो एनिमल होते हैं जिसमें थ्री बेसिक टाइप ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो मैंने कहा जिसमें टू जर्म लेयर होते हैं उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जिसमें थ्री जर्म लेयर होते हैं इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। हम एक और टाइम जो है इस सभी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये परमानेंटली जो है वो सेव हो जाए, आप जब भी इसको रिकॉल करना चाहें आप वो कर पाए, ठीक है। मैंने कहा
कि ये जो गैस्टुला स्टेज है राइट, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? मैंने कहा बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होता है। अगर इससे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो, वो कौन कौन सा? एक तो एक्टोडर्म, एक कौन सा? एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है, ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। बेसिकली यहां पर डिप्लो वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पर डिप्लो वर्ड रिप्रेजेंट करता है टू को। किसको? मैंने कहा ये दो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां पे कितने लेयर्स हैं? मैंने कहा यहां पे टू लेयर्स हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर गैस्टुला स्टेज में पाए जाने वाले सेल्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस तरह के एनिमल को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और यहां पे ट्राई वर्ड है ना, ट्रिप्लो वर्ड, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? थ्री जर्म लेयर को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन कौन से होते हैं? एक्टो, मीजो और एंडोडर्म होते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात जो आपको जानना चाहिए, ये हमारा नोट पॉइंट है। क्या है ये? ये हमारा नोट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने कहा कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली इसमें कितने लेयर हैं? एक तो है इसमें एक्टोडर्म और क्या है इसमें? एंडोडर्म। तो इसमें कितने लेयर हैं? इसमें टू टाइप्स ऑफ लेयर की बात की। बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है? इसमें मीजोडर्म नहीं पाया जाता। लेकिन यह कहा जाता है कि बिटवीन एक्टोडर्म, राइट, बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, बेसिकली बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म तो इसमें होता ही नहीं है। मैंने कहा बेसिकली कि बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इसमें जो है एक और तरह का जो लेयर प्रेजेंट होता है जो मीजोडर्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा इस लेयर को कहते हैं मीजोग्लिया। क्या कहते हैं? ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बेसिकली बहुत तरह के जो मॉड्यूल्स होते हैं वहां से क्वेश्चन भी बेसिकली बहुत सारे उठ के आते हैं यहां पे, कौन क्या किसके बारे में? मैंने कहा मीजोग्लिया के बारे में। आई रिपीट कि यहां पर क्या प्रेजेंट नहीं है? मीजोडर्म नहीं है, मिडिल लेयर नहीं पाया जाता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म ही पाया जाता है। तो लेकिन यहां पर मीजोडर्म की जगह क्या पाया जाता है? मैंने कहा यहां पर इन द केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्या होता है? यहां पर मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। लेकिन समटाइम ये जो मीजोग्लिया होता है उसे क्या कहते हैं? मीजोग्लिया जो होता है वो बेसिकली एक ए सेलुलर टाइप का लेयर होता है, एक अकोशिकीय स्तर होता है, और इसी को समटाइम कहा जाता है, बुक में स्टेटमेंट लिखा होता है कि मीजोग्लिया इज आल्सो नोन एज मीजेनकाइम। इसे क्या कहते हैं? इसे मीजेनकाइम भी किसी किसी बुक में लिखा होता है। लेकिन और तो और मैंने कहा मीजेनकाइम के अलावा एक टर्म और मिल जाएगा आपको बुक में, इसको यहां लेते हैं। मैंने कहा कौन सा होता है? इसे मीजोहाइल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे मीजोहाइल भी कहते हैं। मैंने कहा कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होता है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोग्लिया एक अकोशिकीय स्तर पाए जाते हैं, ए सेलुलर लेयर पाए जाते हैं, उसी को मीजेनकाइम भी कहते हैं, उसी को मीजोहाइल भी कहते हैं, राइट। तो आपने यहां पर इन सभी जो है चीजों के बारे में जाना। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म होते हैं, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक क्या है? एक है यहां पर डिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पर एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट, कि बेसिकली कौन कौन से फाइलम ऐसे होते हैं जिसमें डिप्लोब्लास्टिक टाइप का क्या होता है? जर्म लेयर होता है। तो यह कहा जाता है कि अगर हम यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? मैंने कहा यहां पर एग्जाम्पल में जो फर्स्ट एग्जाम्पल फाइलम, जिस फाइलम का आता है वो क्या होता है? मैंने कहा यह जो बेसिकली फाइलम होता है यह होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मैंने कहा फाइलम होता है प्लेटी हेलमिंथीस। क्या होता है? मैंने कहा प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर के कॉर्डेटा तक। कहां तक? मैंने कहा प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर के कॉर्डेटा तक जो भी पर्टिकुलर फाइलम आते हैं वो कैसे होते हैं, उनका बॉडी वॉल जर्म लेयर कैसे होता है? मैंने कहा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं, त्रिकोरिक प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें एक्टोडर्म भी होता है, मीजोडर्म भी होता है और एंडोडर्म भी होता है। लेकिन प्लेटी हेलमिंथीस से पहले आने वाले जो भी क्या होते हैं, मैंने कहा प्लेटी हेलमिंथीस से पहले क्या आता है? प्लेटी हेलमिंथीस से पहले आता है क्या? पॉरीफेरा, राइट। पॉरीफेरा के बाद हम सिलेंट्रेटा
फेरा की भी इसी कैटेगरी में बात करते हैं कि पॉलीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, द्विकोरिक प्रकार के होते हैं, और इनके जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रकार के जो जनन स्तर होते हैं, बॉडी वॉल या जर्म लेयर होते हैं, उसके बीच में जो है मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है, राइट। तो आपको जो है अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि सपोज कोई भी प्लेटी हेलमिंथीस जो बेसिकली फाइलम है उसका एक मेंबर ऑप्शन में गिवन हो और पूछे जाए कि क्वेश्चन की जो है गिवन ऑप्शन में से क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है या कौन सा एनिमल स्पीसीज ऐसा होता है जो किससे बिलोंग करता है, मैंने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक से बिलोंग करता है, तो आपका आंसर जो है बेसिकली प्लेटी हेलमिंथीस से लेके कॉर्डेटा तक के फाइलम में से कोई भी स्पीसीज आपको दिखाई दे तो वो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमने यहां पर जो है बॉडी वॉल और जर्म लेयर के बारे में बात की और जिसका फॉर्मेशन कहां होता है, गैस्ट्रुला स्टेज में होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, राइट। हमने यहां पर थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, कितने मैंने कहा थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, एक तो हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक हमने पढ़ा बॉडी वॉल, राइट, जर्म लेयर, और इससे पहले हमने बॉडी प्लान के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिए थे, राइट। अब हम ये स्टडी करते हैं कि जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो कौन सा होता है। मैंने कहा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा जो फोर टाइप ऑफ बेसिकली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण का आधार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है सिलोम। क्या कहते हैं इसे, कहा जाता है सिलोम कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है बॉडी कैविटी। क्या कहते हैं इसी को ही, बॉडी कैविटी कहते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि सिलोम और बॉडी कैविटी जो होते हैं वो बेसिकली इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने फर्स्ट लाइव लेक्चर में भी आपको बताया था कि सिलोम और बॉडी कैविटी जो है इसको हिंदी में गुहा कहते हैं, देह गुहा कहा जाता है, तो हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, राइट। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि ये जो सिलोम होते हैं या जो बॉडी कैविटी होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, तो ये कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी कुछ एक वैकेंट स्पेस होता है, कैविटी गुहानुमा संरचना पाई जाती है, एम्प्टी स्पेस कुछ एक खाली जगह जो पाया जाता है, बेसिकली उसी को क्या कहते हैं हम, सिलोम कहते हैं। इसके बारे में हम एक डायग्राम एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे बता रहा हूं कि सिलोम क्या है। बेसिकली ये वैकेंट स्पेसेस होते हैं, कुछ एक खाली जगह होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी, इसका मतलब यह है कि उसके शरीर के अंदर पाए जाने वाली जो गुहा होती है वो बेसिकली वैकेंट स्पेस होता है, कुछ एक खाली जगह होती है जो कि इन जनन स्तरों के बीच में पाए जाते हैं, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में ही एक मैं नोट पॉइंट एक स्टार पॉइंट लिखने वाला हूं, जनरली बुक में जो है यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो क्या होता है, तो ये कहते हैं कि जो ट्रू टाइप के सिलोम होते हैं, राइट, ये जो ट्रू टाइप के सिलोम जिसे कहते हैं सत्य प्रकार के जो गुहा होते हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली कौन से जर्म लेयर में बनते हैं, कौन से जर्म लेयर के थ्रू बनते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा था मेसोडर्म, किसमें हमने कहा कि बेसिकली ये जो मेसोडर्म होता है उसी में ही क्या फॉर्म होता है, मैंने कहा ट्रू टाइप के सत्य प्रकार के गुहा का जो निर्माण होता है वो किस बॉडी वॉल या जर्म लेयर में होता है, तो ये होता है मेसोडर्म में। कहां होता है, मेसोडर्म में होता है। अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि बेसिकली एक क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे कि अगर जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सिलोम प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहें, जिसमें सिलोम अब्सेंट होता है या गुहा जो है अनुपस्थित होते हैं तो उस पर्टिकुलर जीव को हम क्या बोले, तो हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड द अब्सेंस ऑफ द सिलोम वी कैन डिवाइड दिस पर्टिकुलर बॉडी कैविटी इनटू टू कैटेगरी, कितने, मैंने कहा कि गुहा की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हम जो है बेसिकली इसको दो कैटेगरी दो श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये या तो हो सकते हैं, मैंने कहा कि अगर सिलोम क्या हो, ऐसे जीव की बात करते हैं जिसमें सिलोम क्या हो, प्रेजेंट हो, राइट, और एक जीव ऐसे बात करते हैं जिसमें सिलोम क्या हो, अब्सेंट हो। ये मैंने लिखा है प्रेजेंट, ये क्या लिखा है, अब्सेंट, राइट। तो अगर सिलोम अब्सेंट होता है तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, मैंने कहा ऐसे जीव जिसमें सिलोम जो होते हैं गुहा अनुपस्थित होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे एसिलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे
एसिलोमेट कहा जाता है हिंदी में, अगुहीय प्रकार के जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अगुहीय प्रकार के जीव कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिलोमेट की बात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे किस पे, जिसमें सिलोम प्रेजेंट होता है उसे उसे क्या कहते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे हैं कि ऐसे जीव जिसमें सिलोम अब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अगुहीय या फिर एसिलोमेट कहते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि आखिर वो कौन कौन से फाइलम हैं जिसके मेंबर में ये जो गुहा होते हैं, सिलोम होते हैं, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसे फाइलम की बात करें जिसमें सिलोम अब्सेंट होता है तो वो बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा बेसिकली ये हो सकता है पॉरीफेरा। क्या हो सकता है? ये पॉरीफेरा हो सकता है जिसे हम स्पंज कहते हैं। ये बेसिकली क्या हो सकता है, मैंने कहा ये सिलेंट्रेटा भी हो सकता है। इसके साथ साथ और एग्जाम्पल की बात करेंगे, बेसिकली मैंने यहां सिलेंट्रेटा को सीओई से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया, इसीलिए मैंने कहा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसके साथ साथ जो टिनोफोरा जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उसमें गुहा क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ये अगुहीय प्रकार के जीव होते हैं, एसिलोमेट प्रकार के क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम प्लेटी हेलमेंथ्रीज की बात करें तो यहां पर मैं यहां पर डबल स्टार लगा रहा हूं प्लेटी हेलमेंथ्रीज में, क्यों लगा रहा हूं इसकी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्लेटी हेलमेंथ्रीज जो होते हैं वो बेसिकली वो भी क्या होते हैं, मैंने कहा ये भी अगुहीय या एसिलोमेट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं या फाइलम होते हैं। हम वन मोर टाइम देखते हैं, मैंने कहा कि अगर बॉडी कैविटी सिलोम देगुआ अगर अनुपस्थित होते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, अगुहीय या फिर एसिलोमेट कहलाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बेसिकली यहां पे बिलोंग करते हैं, मैंने कहा पॉरीफेरा फाइलम के, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एज वेल एज प्लेटी हेलमेंथ्रीज, राइट। अगर मैंने यहां पे प्रीवियस जो बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था बॉडी वॉल और जर्म लेयर के बारे में, वहां पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम पॉरीफेरा की बात करते हैं, सिलेंट्रेटा की बात करते हैं या टिनोफोरा की बात करते हैं तो ये तीनों ही क्या होते हैं, मैंने कहा ये तीनों क्या थे, मैंने कहा ये तीनों थे डिप्लोब्लास्टिक। क्या थे, मैंने कहा ये क्या थे, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म थे। और डिप्लोब्लास्टिक में क्या नहीं पाया जाएगा, मैंने कहा डिप्लोब्लास्टिक में क्या नहीं पाया जाएगा, मैंने कहा मेसोडर्म नहीं पाया जाएगा। लेकिन स्टार पॉइंट स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि ट्रू सिलोम होता कहां है, बनता किससे है, मेसोडर्म से बनता है, और डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उसमें तो मेसोडर्म होता नहीं है। तो बेसिकली ये क्या हो गए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पीसीज होते हैं, वो क्या हो गए, मैंने कहा ये हो गए क्या डिप्लोब्लास्टिक हो गए। अब हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हम प्लेटी हेलमेंथ्रीज की बात करते हैं या फिर ये जो फ्लैट वॉर्म वाले जो बेसिकली फाइलम की बात करते हैं तो इसमें तो मेसोडर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ये तो क्या होते हैं, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोणिक प्रकार के जीव होते हैं, इसमें मेसोडर्म क्या होता है, मैंने कहा इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट होता है। लेकिन बावजूद इसके हम क्या कह रहे हैं, यहां पर सिलोम क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहां पर सिलोम क्या होता है, यहां पर सिलोम अब्सेंट होता है, ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। बेसिकली अगर सिलोम अगर अब्सेंट हो तो हम अगुहीय कहेंगे, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, यहां पर ये क्या होता है, ये अपवाद वाले केस होते हैं। आपको जनरली यहां से बहुत बार क्वेश्चन मिल जाएगा और यहां तो नीट जो है एपीएमटी और नीट में भी यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि बेसिकली ऐसा कौन सा सिंगल फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी उसमें क्या होता है, सिलोम अब्सेंट होता है, वो एसिलोमेट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेटी हेलमेंथ्रीज। तो मैं प्लेटी हेलमेंथ्रीज के बारे में एक स्टेटमेंट लिख दूं कि इसको कह सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट। क्या होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये एक्सेप्शनल केस है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, एक सिंगल फाइलम जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद, जिसमें मेसोडर्म होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, सिलोम अब्सेंट होता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप की, हम आते हैं यहां पे। मैंने कहा कि अगर हम बेसिकली ऐसे बात करें कि अगर सिलोम जो है जिन जीवों में, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कह देंगे, इसे कहेंगे सिलोमेट। क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे सिलोमेट कहेंगे। बेसिकली सिलोमेट को क्या बोलते हैं, इसे गुहीय प्रकार के जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, आई रिपीट, इसे गुहीय प्रकार के जीव कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। बेसिकली ये जो सिलोमेट जो होता है वो गुहीय प्रकार के जीव होता है, और हम यहां पे इसको स्टडी करेंगे, इसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितने कैटेगरी में, मैंने कहा इसको टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और ये कौन कौन से कैटेगरी होते हैं उस
उसके बारे में देखेंगे। यहां पे सिलोमेट में सिलोम प्रेजेंट है और हम कह रहे हैं कि इसको हम टू कैटेगरी में स्टडी करते हैं, वो कौन कौन सा होता है। हो सकता है कि सिलोम प्रेजेंट तो हो लेकिन वो क्या हो, ट्रू टाइप का सिलोम ना हो। मैंने कहा सिलोम प्रेजेंट तो हो लेकिन वो ट्रू टाइप का सिलोम नहीं होता है, ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है फॉल्स सिलोम। क्या होता है, फॉल्स सिलोम होता है। तो बेसिकली फॉल्स सिलोम जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे स्वेडो सिलोम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्वेडो सिलोम भी कहा जाता है, राइट। और हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूसिलोम। क्या कहते हैं, इसे यूसिलोम कहा जाता है। बेसिकली मैंने कहा सिलोमेट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इट मे बी फॉल्स सिलोमेट, इट मे बी यूसिलोमेट। मैंने कल ही आपको बताया था लेक्चर 2 में, जो बेसिकली मैंने बताया था कि अगर कहीं भी बायोलॉजी में आपको दो प्रीफिक्स दिखाई दे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के पीछे जो है पहले क्या लगा हुआ हो, अगर स्वेडो लगा हुआ हो या फिर क्या लगा हो, यू लगा हो, तो मीनिंग क्या होता है। मैंने कहा अगर स्वेडो लगा होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स होता है। और अगर यू लगा होता है तो मीनिंग क्या होता है, मैंने कल बताया था होता है ट्रू। क्या होता है, सत्य प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि फॉल्स सिलोम और स्वेडो सिलोम जो होता है इसका एग्जांपल कौन सा है, कौन सी ऐसी फाइलम है जिसमें ये फॉल्स सिलोम और स्वेडो सिलोम प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये कौन सा है, ये होता है एसके हेलमेंथीस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डबल स्टार लगा लेना आप लोग यहां पर। एसके हेलमेंथीस जो होता है बेसिकली एक ऐसा सिंगल जो है फाइलम होता है जिसमें जो है गुहा तो है लेकिन वो क्या है, मैंने कहा ये फॉल्स सिलोम होते हैं। क्या होते हैं, फॉल्स सिलोम होते हैं। तो इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो फॉल्स सिलोम और स्वेडो सिलोम में हमने एसके हेलमेंथीस फाइलम के बारे में डिस्कस किया है, तो ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसके बिहाफ पर ये कहते हैं कि ये फॉल्स सिलोम होते हैं, इसमें जो है ट्रू टाइप का सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैंने कहा हम रीजन की बात करते हैं। तो ये कहते हैं इसका जो फर्स्ट रीजन होता है, ये कहा जाता है कि बेसिकली अगर हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं या सिलोम की बात करते हैं, उसका फॉर्मेशन बेसिकली जो है कौन से स्टेज में होता है, मेसोडर्म में होता है। और अगर हम बॉडी कैविटी के अलावा अगर हम जर्म लेयर की बात करें, किसकी बात करें, जर्म लेयर की बात करें, तो जर्म लेयर का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है, मैंने कहा गैस्टुला स्टेज में होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या होता है, एसके हेलमेंथीस में क्या होता है कि जर्म लेयर का फॉर्मेशन गैस्टुला में ना होकर के अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली कहां हो जाता है, मैंने कहा यह बेसिकली ब्लास्टुला में हो जाता है। कहां हो जाता है, ब्लास्टुला में हो जाता है, और वहां तो बेसिकली किसी भी तरह का कोई जर्म लेयर नहीं बना है, राइट। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, आई रिपीट, हम यहां पे जो है एक और बार समझ लेते हैं। मैंने कहा एसके हेलमेंथीस जो है स्वेडोसिलोम होते हैं क्योंकि इसमें बॉडी कैविटी जो है किस स्टेज में बन जाता है, मैंने कहा ब्लास्टुला स्टेज में ही बन जाता है, जहां पे अभी तक कोई जर्म लेयर नहीं पाया जाता। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, एसके हेलमेंथीस को स्वेडोसिलोम कहते हैं, राइट। और एक और रीजन एनसीईआरटी में गिवन है कि व्हाई एसके हेलमेंथीस इज नॉन स्वेडोसिलोम, तो ये कहते हैं कि एसके हेलमेंथीस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें मेसोडर्म होता है, तो इनके मेसोडर्म में जो है कुछ एक थैलीनुमा संरचनाएं बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। मैंने कहा कुछ एक स्केटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके मेसोडर्म में, इसीलिए ये क्या होते हैं, एसके हेलमेंथीस होते हैं। अभी एक डायग्राम देखेंगे वहां पे मैं आपको ये जो है एक्सप्लेन करूंगा। अब हम लीड करते हैं यूसिलोम की तरफ, राइट। मैंने यहां पर क्या बताया आपको, यहां पर मैंने एसिलोमेट और स्वेडोसिलोम के बारे में बताया, अब हम लीड करते हैं यूसिलोम। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, राइट। आप सभी जो है या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो अपलोड होने के बाद वहां से आप अगेन इन नोट्स को देख सकते हैं। तो यहां पर मैं इरेज कर रहा हूं, हम पढ़ेंगे अब क्या, हम पढ़ेंगे केवल और केवल यूसिलोम क्या होता है उसके बारे में। तो हम स्टडी करते हैं, हमारा जो लास्ट जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो लास्ट कैटेगरी है वो क्या है, यूसिलोम। क्या है, यूसिलोम है। तो यूसिलोम की हम बात करते हैं, यहां पे मैंने आपको बताया यूसिलोम का मतलब क्या है, मैंने कहा यू का मतलब तो क्या होता है, ट्रू होता है, मतलब जिसमें ट्रू टाइप के जो सिलोम प्रेजेंट होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूसिलोमेट होते हैं, राइट। अब हम ये स्टडी करते हैं कि ये जो यूसिलोम होते हैं इसमें हम क्या क्या किस किस फाइलम की बात करेंगे। तो देखिए मैं इस यूसिलोम को क्या कह रहा हूं कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें ट्रू टाइप के सिलोम प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो ट्रू टाइप के सिलोम इसमें प्रेजेंट होता है तो हम इसको थ्री कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं। कितने
कैटेगरी में, मैंने कहा हम इसको थ्री कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? मैंने कहा ये हो सकता है कि ये जो यूसिलोम है ट्रू टाइप के सिलोम होते हैं। बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी जो होता है हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी होता है वो कौन सा है, इसे कहा जाता है साइजोसिलोम। क्या कहते हैं? इसे साइजोसिलोम कहा जाता है। और नेक्स्ट कैटेगरी इन यूसिलोम उसे क्या कहते हैं, इसे हीमोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हीमोसिलोम कहा जाता है। अब थर्ड कैटेगरी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंटेरोसिलोम। क्या कहते हैं? इसे एंटेरोसिलोम कहा जाता है। राइट, मैं आपको इतना डीप इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल में इससे ज्यादा कंटेंट ना मिले। राइट, जितना सफिशियंट होता है नीट या किसी अदर मेडिकल एग्जाम के लिए, अदर बीएचयू जेट और आईसीआर के लिए, इससे बाहर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए ही ना, इसीलिए हम जो है इसको डीपली स्टडी कर रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये सब कुछ भी गिवन नहीं है, ये यूसिलोम में इतनी सारी जो है कैटेगरीज नहीं बता रखा है, इसीलिए हम इसको पीक लेवल हाई लेवल में स्टडी कर रहे हैं। राइट, तो मैंने आपको बताया कि ये जो यूसिलोम होता है वो बेसिकली क्या है, साइजोसिलोम भी हो सकते हैं, हीमोसिलोम भी हो सकते हैं और एंटेरोसिलोम भी होते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटेरोसिलोम होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ, मैंने कहा ये मोस्ट डेवलप्ड, मैंने कहा अति विकसित प्रकार के क्या होते हैं, अति विकसित प्रकार के सिलोम होते हैं, मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ सिलोम होते हैं। राइट, सो बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल एंटेरोसिलोम की ही बात करेंगे। मैंने कहा कि ये जो मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ सिलोम होता है, अति विकसित प्रकार के जो गुहा होते हैं वो जो है बेसिकली किस किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो मैंने कहा यहां पर हम एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं। अगर हम एंटेरोसिलोम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पे फर्स्ट जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है, यहां पे हम स्टडी करते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम। कौन सा फाइलम? मैंने कहा यहां पर इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड फाइलम जो होता है वो कौन सा होता है, इसे कहा जाता है हेमिकोडेटा। क्या कहते हैं? इसे हेमिकोडेटा कहा जाता है। हेमिकोडेटा के बाद क्या आता है? हेमिकोडेटा के बाद आता है कॉर्डेटा। राइट, तो मैंने कहा ये तीनों फाइलम ऐसे हैं जिसमें अति विकसित प्रकार के मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ सिलोम जिसे एंटेरोसिलोम कहते हैं वो पाया जाता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा गया था, एंटेरोसिलोम, ये जो मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ सिलोम होता है वो देखा गया था। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किस फाइलम की बात की है, यहां पर इकाइनोडर्मेटा की बात की है, इसलिए यह कहा जाता है कि ये जो इकाइनोडर्मेटा होता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार क्या देखा गया, ये एंटेरोसिलोम देखा गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल द स्पीशीज एंड मेंबर्स बिलोंग टू दिस थ्री टाइप ऑफ फाइलम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, कैन बी डिवाइडेड इनटू एंटेरोसिलोम, जो कि क्या होता है, मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ सिलोम होता है। यहां पर हम अब फर्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? मैंने कहा ये होता है साइजोसिलोम। बेसिकली साइजोसिलोम का मीनिंग क्या है हम पहले ये समझते हैं। साइजोसिलोम का मीनिंग ये होता है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, आहार नाल जो है, उसका इररेगुलर बेसिस पे स्केटर्ड बात करते हैं कि अगर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इररेगुलरली फट जाए, राइट, तो उसके फटने से, एलिमेंट्री कैनाल के फटने से जो सिलोम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साइजोसिलोम कहते हैं। राइट, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि साइजोसिलोम में कौन कौन से फाइलम आते हैं। राइट, यहां पे साइजोसिलोम में जो फाइलम आते हैं, यहां पे हम बात करते हैं एनेलिडा। कौन से फाइलम की? एनेलिडा। अगर आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन मिले कि एनेलिडा फाइलम जो होते हैं वो किस पर्टिकुलर सिलोम को रखते हैं, तो ये यूसिलोम तो होते हैं। राइट, यूसिलोम में भी कौन सा होते हैं, साइजोसिलोम होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। राइट, तो यहां पे एनेलिडा की बात करते हैं। अगर हम अब लीड करते हैं हीमोसिलोम की तरफ, तो बेसिकली हीमोसिलोम का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो हीमोसिलोम है वो जनरली फाइलम, किस फाइलम में पाए जाते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। फाइलम जो है ये होता है ऑर्थ्रोपोडा में। किसमें होता है? मैंने कहा ऑर्थ्रोपोडा जो बिगेस्ट फाइलम होता है एनिमल डाइवर्सिटी का, राइट, सबसे बड़ा संघ होता है, उसमें पाया जाता है हीमोसिलोम। राइट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्थ्रोपोडा है इसके पर्टिकुलर बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, या फिर ब्लड जैसे कुछ संरचनाएं जो होती है, कुछ एक
पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं लिक्विड फेजेस में, उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं इसे? हीमोलिम्फ कहा जाता है। आई रिपीट कि ऑर्थ्रोपोडा में जो सिलोम है वो हीमोसिलोम है, और इनके बॉडी में जो ब्लड लाइक सब्सटेंसेस लिक्विड भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। और इस लिक्विड हीमोलिम्फ में जो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डूबे हुए रहते हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये हीमोलिम्फ वर्ड से ही क्या आया है, हीमोसिलोम आया है, और ऑर्थ्रोपोडा जो है इसका एग्जांपल है। लेकिन यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर एक सिंगल फाइलम की बात नहीं की है। वो कौन सा है? मैंने यहां पे मोलस्का की बात नहीं की है। बेसिकली मोलस्का को मैं यहां पे बाद में क्यों पढ़ा रहा हूं? बेसिकली यहां पे कहते हैं कि मोलस्का जो है ना, मोलस्का जो है बेसिकली मोलस्का फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साइजोसिलोम भी होते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या होते हैं? हीमोसिलोम भी होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों। तो बेसिकली जब हम मोलस्का फाइलम को डिटेल में स्टडी करते हैं तो इसमें हम टू बेसिक टाइप ऑफ क्लासेस वर्ग की बात करेंगे। एक क्या होता है, मैंने कहा एक तो होता है क्या, एक वर्ग होता है जिसे कहते हैं सिफेलोपोडा। क्या होता है? एक वर्ग होता है जिसे कहा जाता है सिफेलोपोडा, और मोलस्का का जो एक क्लास होता है इसे क्या कहते हैं? इसे नॉन सिफेलोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन सिफेलोपोडा कहते हैं, राइट। तो मैंने कहा मोलस्का साइजोसिलोम है, लेकिन मोलस्का में कौन सा मोलस्का? मैंने कहा सिफेलोपोडा टाइप के जो मोलस्कंस होते हैं वो बेसिकली साइजोसिलोमेट होते हैं, लेकिन जो नॉन सिफेलोपोडन होते हैं, नॉन सिफेलोपोडा टाइप के जो मोलस्कंस होते हैं वो क्या होंगे? हीमोसिलोम होंगे। हम कुछ एक एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। मैंने कहा सिफेलोपोडा जो मोलस्कंस होते हैं इसके एग्जांपल कौन-कौन से होते हैं? इसके एग्जांपल्स में आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर हम ऑक्टोपस की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, ऑक्टोपस के बारे में आपने सुना होगा। ऑक्टोपस जो है वो बेसिकली सिफेलोपोडा मोलस्कंस होते हैं। अगर हम लॉलीगो की बात करते हैं, लॉलीगो भी एक मेंबर होता है मोलस्का का, सिफेलोपोडा का, और एक मेंबर होता है स्क्विड। क्या होता है? स्क्विड, राइट। यहां पे हम ऑक्टोपस, लॉलीगो, स्क्विड जो है इसमें ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये क्या है? सिफेलोपोडा मोलस्कंस है, और ये जो है इसमें क्या होता है? मैंने कहा साइजोसिलोम होता है, बेसिकली जिसका निर्माण एलिमेंट्री कैनाल के अनियमित प्रकार के जो है अनियमित प्रकार से फटने से होता है, इरेगुलर बेसिस पे जो है वो फटने से होता है। मैंने कहा अब हम बात करते हैं नॉन सिफेलोपोडा मोलस्कंस की। तो यहां पर कुछ एक एग्जांपल डिस्कस कर लें। तो यहां पर हम बात करते हैं यूनियो। क्या बात करते हैं? यूनियो। यूनियो जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा जीव होता है जो नॉन सिफेलोपोडा मोलस्कंस में पड़ते हैं। यूनियो के साथ साथ यहां पर हम बात करते हैं पाइला, राइट, जिसे बेसिकली स्नेल भी कह सकते हैं, तो पाइला हो गया। या फिर हम बात करते हैं यहां पे यूनियो, पाइला और पिंक टेडा, राइट। पिंक टेडा जो है वो बेसिकली ये जो है इसका आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, यहां जो है मोती उद्योग में इसे बेसिकली संबंधित होता है। तो पिंक टेडा जो है ना ये भी बेसिकली, मैंने कहा पिंक टेडा जो स्पीसीज होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी क्या आते हैं? नॉन सिफेलोपोडा मोलस्कंस में आते हैं, और ये जो है बेसिकली किस तरह का सिलोम रखते हैं? हीमोसिलोम रखते हैं। मैं इन सभी चीजों को वन मोर टाइम आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि हमने क्या देखा। मैंने यहां पे केवल और केवल यू सिलोम में जो टू टाइप के सिलोम होते हैं, सत्य प्रकार के गुहा होते हैं, उसके बारे में बताया। मैंने कहा ये जो यू सिलोम है उसको हम थ्री कैटेगरी में जो है स्टडी कर सकते हैं, वो कौन कौन सा होता है? साइजोसिलोम, हीमोसिलोम, एंटेरोसिलोम। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अति विकसित प्रकार के गुहा, मोस्ट डेवलप्ड सिलोम के बारे में बताया, वो कौन सा है? मैंने कहा कौन कौन से फाइलम आते हैं, एंड इसमें जो है बेसिकली काइनोडर्मेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है, और क्या आता है? कॉर्डेटा आता है। अगर हम बात करते हैं किसकी? साइजोसिलोम की, तो इसमें क्या आता है? एनलिडा और सिफेलोपोडा मोलस्कंस आते हैं। हीमोसिलोम की बात करते हैं तो इसमें नॉन सिफेलोपोडा मोलस्कंस आते हैं, एज वेल एज क्या आते हैं? मैंने कहा ऑर्थ्रोपोडा आते हैं, राइट। तो आपको जो है मॉड्यूल्स में, मेरा मानना यह है, मेरा पर्सनल बिलीफ है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, राइट। अब हम जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सिलोम का ही, एक सिंगल डायग्राम बचा हुआ है हमारा, वो डिस्कस करते हैं ताकि ये जो टॉपिक है वो क्या हो जाए? फिनिश हो जाए, राइट। हम जो है डिस्कस करने वाले हैं क्या, ये अगर हम सिलोम को डायग्राम से समझें तो बेसिकली कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूं सिलोम का बेसिक डायग्राम।
तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिलोमेट, राइट। ये जो है फर्स्ट टाइप का जो एग्जांपल है हमारा ए सिलोमेट टाइप की, जिसमें सिलोम क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि ये जो ए सिलोमेट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। तो ए सिलोमेट, देखिए मैंने कहा कि अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो मैंने ये बताया है, ये बेसिकली ये जो है मैंने कहा ये जो बीच में कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं गट। क्या कहते हैं? गट कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। बेसिकली ये जो है कुछ एक गड्ढे नुमा संरचना होते हैं, पिट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये यू सिलोमेट, बेसिकली ए सिलोमेट जो होता है इसमें तो सिलोम क्या है, मैंने कहा इसमें सिलोम क्या होते हैं, मैंने कहा अब्सेंट होते हैं। तो देखिए यहां पर यह कहा जाता है कि बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह की कुछ संरचनाएं जो है, स्ट्रक्चर जो है बेसिकली किसमें होते हैं, तो मैंने कहा यह लेयर है एक्टोडर्म का। कौन सा है? मैंने कहा यह एक्टोडर्म का लेयर है। और यहां पर यह जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, मैंने कहा यह जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बीच वाला लेयर जो होता है, मैंने कहा यह होता है क्या, मैंने कहा यह होता है एंडोडर्म। क्या होता है? एंडोडर्म बेसिकली होता है। तो यहां पे टू बेसिक टाइप ऑफ लेयर है, एक तो एक्टोडर्म है और क्या है? एंडोडर्म है। लेकिन यहां पर क्या नहीं देखने को मिल रहा, यहां पर कोई भी वैकेंट स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे ए सिलोमेट कहते हैं, जिसमें सिलोम क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं स्वेडो सिलोमेट, राइट। इसे क्या कहते हैं? स्वेडो सिलोमेट कहते हैं। बेसिकली मैंने आपको अभी अभी बताया था कि स्वेडो सिलोमेट का मतलब क्या होता है, फॉल्स सिलोम रखने वाले। और मैंने कहा था कि इनके मेसोडर्म में हम देखेंगे कि क्या प्रेजेंट होता है, स्केटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो वो कैसे होता है हम ये स्टडी करने वाले हैं। अगर हम देखें कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर कैसे पाए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें जो है थ्री बेसिक टाइप ऑफ लेयर की बात कर लूं। मैंने कहा सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, सबसे बाहर की तरफ यहां जो है बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, ये एक्टोडर्म है। ये क्या है? मैंने कहा ये एक्टोडर्म है। ये क्या है? मैंने कहा ये जो है बेसिकली एंडोडर्म है। तो ये क्या है? मैंने कहा ये जो आउटर लेयर है इसे कहा जाता है एक्टोडर्म, जो इनर लेयर है इसे कहा जाता है एंडोडर्म, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहते हैं मेसोडर्म। क्या कहते हैं? मेसोडर्म कहते हैं। और ये जो मेसोडर्म होता है ना, इसमें क्या होता है, कुछ एक इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, थैली नुमा जो संरचनाएं होती है, या फिर कुछ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये इस तरह से बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसीलिए जो मैंने बताया था आपको कि एसके हेलमिंथीस होता है वो कैसे होते हैं, ये स्वेडो सिलोमेट होते हैं, राइट। अब हम लास्ट कैटेगरी, लास्ट डायग्राम डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वो है यू सिलोमेट। थर्ड डायग्राम क्या है, यू सिलोमेट का हम क्या कहते हैं। ये तीनों ही डायग्राम एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसीलिए मुझे यहां पे समझाना पड़ा बेसिकली यू सिलोम क्या होते हैं। तो इसके डायग्राम की डिस्कस करेंगे। यहां पर हमें जो सिलोम है वो क्लियरली विजिबल होगा, आसानी से दिखाई देगा। कैसे? मैंने कहा बेसिकली ये जो है मैं बनाने जा रहा हूं यू सिलोम, राइट। ये यू सिलोम मैं बनाने जा रहा हूं। यहां पर देखिए बाहर बाहर की तरफ क्या होगा, एक्टोडर्म, राइट। मैंने कहा कि ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, मैंने कहा ये है एक्टोडर्म। क्या है? ये एक्टोडर्म। अंदर अंदर की तरफ क्या होगा, मैंने कहा ये एंडोडर्म होगा। तो मैंने कहा ये तो एक्टोडर्म है, और इसके अंदर क्या है, मैंने कहा इसके अंदर है एंडोडर्म। और यहां पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा मेसोडर्म प्रेजेंट होता है। अगर आपको पता हो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इस मेसोडर्म में ही क्या होता है, ट्रू सिलोम का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ट्रू सिलोम का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और यहां पर ये जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये जो वैकेंट स्पेस होता है यही क्या होता है, यही सिलोम होता है, राइट। यहां पे सिलोम आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये जो वैकेंट स्पेस होता है इसे ही क्या कहते हैं, सिलोम कहा जाता है, राइट। तो यहां पर हमने बेसिक जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। हमने यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, शारीरिक संगठन का स्तर पढ़ा, हमने बॉडी प्लान शरीर आयोजन के बारे में देखा, हमने बॉडी वॉल जर्म लेयर के बारे में देखा, और लास्ट टॉपिक क्या था, हमने यहाँ पे सिलोम को डिटेल स्टडी किया, राइट। अब जो है कल का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली किसके बारे में होगा, मैं आपको कल क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद जो हम सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, नोटोकॉर्ड पढ़ते हैं, सिमेट्री पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट।
और यहां पर अगर आपको आज का जो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब के बाद जो है आपको बेल आइकन दिखाई देता होगा, वहां पे उसको ऑल पे जो है क्लिक करें, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो जितने भी तरह की वीडियोस अगर हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक क्या आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट का टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा सिमेट्री, सममिति, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। राइट, थैंक यू।